अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्ला आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, तो हम जो इसके लिए लिथियम आयन के लिए हम सेल यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल न्यू है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा सेल है। ठीक है, ये हमारा तकरीबन 2600 ठीक है MAh का सेल है, यानी कि एक सेल जो है वो हमारा 2 एम्पीयर का। ठीक है, और इसके साथ हम जो BMS यूज़ कर रहे हैं वो हमारा है 24 वोल्ट का। ठीक है, तो हम 24 वोल्ट की बैटरी बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये है 20 एम्पीयर का, लेकिन हमारी जो बैटरी बनेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 एम्पीयर बनेगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ सात सात जो सेल हैं उनकी सिर्फ दो ही लेयर इसके, यानी कि दो ही सीरीज इसके अंदर डालने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी ये कैप है हमारे पास। ठीक है, तो इन कैप में हम अपने सेलों को डालेंगे। ठीक है, और बाकी ये निकल स्ट्रिप है, और निकल स्ट्रिप की मदद से हम कोशिश करेंगे कि इसको हम सोल्ड कर सकें, वेल्ड कर सकें। ठीक है, वेल्ड ना हो सका तो हम इसके साथ सोल्ड ही कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं ये आपको बना के दिखाता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमने सात सात सेल लगाने हैं। ठीक है, और इसको बनाने का जो तरीकाकार है वो डायग्राम भी मैं आपको दे दूँगा, बाकी मैं आपको यहाँ पे समझा भी देता हूँ। ठीक है, एक ऐसे डालना है और एक हमने इससे उल्टा डालना है। ठीक है, ये सारे सेल तकरीबन हमने इसी तरीके से इसके अंदर डालने हैं। ठीक हो गया, ये वाली जो साइड है इसको भी ऐसे ही डालना। कि इन दोनों को हम आपस में बाद में जोड़ देंगे पैरेलल में। ठीक है, बाकी जो सेल हैं वो एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो बैटरी है उसकी सेलों की तरतीब बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो दोस्तों चूँकि हमारे सेल नए हैं तो हमें इनके किसी किस्म के वोल्टेज चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सब ओके हैं, बिल्कुल न्यू हैं। तो अब हम इस मशीन की मदद से हम कोशिश करेंगे कि इसको हम सोल्ड कर सकें। ठीक है, यानी वेल्ड कर सकें। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये पॉजिटिव साइड है। ठीक है, पॉजिटिव से हमने सीरीज कर दिया है, ये सारी हमने सीरीज की है। ठीक है, ये इसकी नेगेटिव, ये फिर इसकी पॉजिटिव, फिर ये इसकी नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये इसी तरह सारी सीरीज में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने पूरा इसको सीरीज में बना दिया। ठीक है, दोनों साइडें हमने सेम तरीके से बना दी। अब हम इसको पैरेलल में जोड़ेंगे, यानी कि आपस में ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इसको पैरेलल में जोड़ देंगे ताकि ये इसकी जो पावर है वो डबल हो जाए। ठीक है, ताकि इसके एम्पियर बढ़ जाए। तो अब हम इसको पैरेलल में जोड़ते हैं। तो दोस्तों हमारी स्पॉट वेल्डिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमने इसको सीरीज में, जैसे कि मैंने आपको बताया, जोड़ा। अब हमने इसको पैरेलल में जोड़ दिया। ठीक है, पैरेलल में जोड़ते ही मैंने सबके ये थोड़ी थोड़ी जो निकल स्ट्रिप है इसको बढ़ा के रखा था ताकि यहाँ पर हम अपना BMS लगा सकें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको BMS लगाने का तरीकाकार मैं आपको समझाता हूँ कि आप इसके साथ BMS को किस तरीके से लगा सकते हैं। तो दोस्तों BMS लगाने से पहले हम इसकी सीरीज में इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये नीचे मैंने निशान भी लगा दिए हैं पॉजिटिव नेगेटिव के। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमारा जो बैटरी बैंक है वो हमारे 26.3 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसको BMS लगाने का तरीका यहाँ पे समझाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो BMS है उसके अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पॉजिटिव का ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी टोटल 7 पॉइंट है। ठीक है, और आठवां जो हमारा नेगेटिव है वो यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक है, और बैटरी का नेगेटिव हम यहाँ से निकालेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारी पी नेगेटिव है ये हमारी चार्जिंग के लिए यूज़ होगी, और जो हमारी बैटरी को जाएगी यहाँ पर लिखा हुआ है BAT। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो, तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे जो हमारी इस बैटरी को लगेगी। तो थोड़ा सोल्डर इसलिए काम किया है क्योंकि हमारी ये पूरी जो है 20 एम्पियर की पावर यहाँ पे नहीं लेगा, क्योंकि हमारा जो है 5-6 एम्पियर का है, तो हमारा काम चल जाएगा इतनी सोल्डरिंग से भी आसानी से। तो अब हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं। तो आप इसको डबल टेप के साथ भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको सिलिकॉन के साथ लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लगाने को यही है। तो ये हमारी सबसे पहले पॉजिटिव वाली है, ठीक है, सबसे पहली वायर है, तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारी पहली पॉजिटिव वाली तार लग गई है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी सेकंड नंबर की तार ढूंढेंगे, यानी कि इसके ऊपर लिखा होगा नंबर वन, ठीक है। तो ये हमारी नंबर वन आ गई है, ठीक है। तो नंबर वन को लगना है इसकी ये जो फ्रीज बनी हुई है इस वाली साइड पे, ये वाली है जो हमने निकाली है, इसी से निकाली है। अब हम नंबर थ्री निकालेंगे, यानी कि वैसे नंबर दो होगी, नंबर दो वायर जो है, ठीक है, पहली पॉजिटिव की थी, अब ये इसके साथ सीरीज है तो हम इसके साथ लगाएंगे, ठीक है। यानी जो इसकी नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है, ये आपस में नेगेटिव पॉजिटिव मिल रही है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे जो नंबर थ्री है, तो हम ये लगाएंगे इसको, अब हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है, ये जो इसकी पॉजिटिव नेगेटिव है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम अपनी नंबर जो फोर है वो यहाँ पे हमारी जो पॉजिटिव नेगेटिव है इस पर लगा दें, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा नंबर 5 आ जाता है। ठीक है, ये हमारा नंबर 5 है, तो ये नंबर 5 यहाँ पे आएगा। और लास्ट में हमारी जो ये वाली नंबर 6 है, ठीक है, ये नंबर 6 हम लगाएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीके से BM की जो वायरिंग है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। एंड पे हमने जो नेगेटिव लगाई थी वो हम लगाएंगे। ये तो ये जो हमारी हमने नेगेटिव निकाली थी, जो बैटरी जिसके ऊपर लिखा हुआ है BAT, ठीक है, तो वो हम यहाँ से बड़े प्यार से इसको इधर लगा दें, ठीक है, अपनी इस नेगेटिव वाली के ऊपर। ये जो हमारी नेगेटिव है इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है, बेशक ऊपर लगा दें या इधर ही लगा दें, क्योंकि ये इतनी हाई वोल्टेज है नहीं, और सॉरी हाई एम्पेयर की बैटरी नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं। तो दोस्तों हम अपनी नेगेटिव को लगाने लगे हैं और इसके बाद हमारा जो सिस्टम है वो फुली ऑपरेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं दोस्तों, हमारा ये जो BMMC के कनेक्शन है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमने अपनी ये हमारी चार्जिंग के लिए नेगेटिव है और जो पॉजिटिव है वो हमने यहाँ से डायरेक्टली लेनी है, ठीक है, तो वो हम यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पे एक सॉरी ये एक पॉजिटिव वाली साइड जो है वो हमारी बनेगी ये वाली, ठीक है, तो यहाँ से हम पॉजिटिव का एक टांका लगा, पॉजिटिव लगते ही हमारा BMC जो है उसका सारे कनेक्शन मुकम्मल हो जाएगा और हमारी बैटरी बैंक है जो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस साइड भी कर लेते हैं अपनी शोल्डरिंग इस, तो दोस्तों इस वक्त हमारा जो पावर बैंक है वो बन के तैयार हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पावर बैटरी बैंक है वो बनके तैयार है। बैटरी बैंक कहें या जो भी कहें, बैटरी या लिथियम आयन बैटरी कह लें, ठीक है, वो मुकम्मल बनके तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आपके पास इसका वो हीट सिंक वाला कवर है तो वो आप इसके ऊपर चढ़ा के इसको पैक कर सकते हैं। तो ये लें,
हमारा जो बैंक है वो तैयार है, तमाम तक कनेक्शन मैंने आपको समझा दिए हैं, बाकी इसकी डायग्राम भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो मज़ीद मीटर पे इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ भी देख सकते हैं हमारे पास 26.4 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके मुतल्लिक कोई भी सवाल है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं जो कमेंट्स में नहीं पूछा जा सकता, यानी कि कोई डीपली आपने कोई ब्रीफिंग लेनी है, तो आप व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसके साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।